स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बिग ब्रेकिंग न्यूज, एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है आयोग के द्वारा। आयोग ने एक बार फिर निराश किया है। तो आयोग ने एक बार फिर निराश किया है, जिस भर्ती का इंतजार था उस भर्ती को आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। लेखपाल का नया विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ आपके और भी विज्ञापन है वो कब तक देखने को मिल सकते हैं? तो अभी जो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग के द्वारा पेट 2023 से 10वां विज्ञापन है जो जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 2 जुलाई, और ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपका 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और अंतिम जो है सबमिट करने की तिथि है 7 अगस्त तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद संशोधन की तिथि आप 14 अगस्त तक है। तो इस तरीके से ये 8 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करना। और ये किस पद के लिए है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 10 BCG तकनीशियन। तो इसी तरह की आयोग ढूंढ ढूंढ के वैकेंसियाँ निकाल रहा है जो एक स्पेशल वैकेंसी है, और कोई भी सिंपल ग्रेजुएट की वैकेंसी नहीं आ रही, ना तो 10+2 की आ रही है, बस स्पेशल वैकेंसी आयोग निकाल रहा है, वो भी 200-300 पदों पर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई, अब BCG टेक्नीशियन की आ गई, जबकि आयोग के पास अधियाचन है लेकिन उन भर्तियों का विज्ञापन आयोग जारी नहीं कर रहा। जैसे आपका लेखपाल है, इसका भी अधियाचन है उसके पास, फिर भी नहीं जारी कर रहा विज्ञापन। साथ ही साथ आपका जो आपका लोअर PCS है, तो लोअर PCS का तो विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है, जिसमें करीब 1000 के आसपास आयोग के पास अधियाचन रखे हुए हैं, तब भी आयोग इनका विज्ञापन नहीं जारी कर रहा है, बस स्पेशल भर्ती भरते चला जा रहा है आयोग। कोई भी जो है आप ऐसी भर्तियां देखने को मिल रही हैं जो कभी भी भर्तियां नहीं हुई होंगी, अब आयोग ऐसी भर्तियां ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। देख सकते हैं जैसे BCG टेक्नीशियन, अब BCG टेक्नीशियंस में अभ्यर्थी 255 पदों पर ही भर्ती है। अब इसके लिए अगर हम बात करें कि स्पेशल योग्यता क्या है, तो उसकी आप देख सकते हैं कि क्या है इसमें, क्या अर्हता ले रहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी प्रोसेस वही है, 25 रुपये का आपको अप्लाई करना होगा, 25 रुपये फीस है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कितने टोटल पद, 255 है, अलग अलग कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो 2400 रुपये की ग्रेड पे है। उसके बाद ये आपका क्षतिज आरक्षण है, और उसके बाद यहाँ पर आप स्पेशल अर्हता देख सकते हैं कि अर्हता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BCG टेक्नीशियन पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो ये आपकी अनिवार्य अर्हता है। जो अभ्यर्थी, अब ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो पेट दिए ही नहीं होंगे, अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो जो डिप्लोमा तो किए होंगे, उनके पास कोर्स डिप्लोमा प्रमाण पत्र तो होगा लेकिन पेट नहीं होगा। इस तरीके से आयोग ढूंढ ढूंढ के वैकेंसी निकाल रहा है। अब चयन का आधार आप देख सकते हैं, और सिलेबस की अगर बात करें तो आयोग हमेशा यही दिख रहता है कि लिखित परीक्षा परिचय पाठ्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से आयोग द्वारा फिर से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, और इस बार आयोग ने फिर निराश किया है। जो भर्तियों की उम्मीद थी कि इस भर्ती का विज्ञापन आएगा, लेकिन उस भर्ती का विज्ञापन नहीं आया, और आयोग ने एक बार फिर स्पेशल भर्ती दे दी। उससे पहले भी आपने देखा कि स्पेशल भर्ती जैसे आपका फार्मासिस्ट, फिर उसके पहले आपका AGTA, फिर उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियर, इसी तरीके से कुछ स्पेशल भर्ती है, और सिंपल ग्रेजुएट और 10+2 वालों के लिए कोई भर्ती अभी आयोग के द्वारा जारी नहीं की जा रही है। तो आयोग के द्वारा ये जो नोटिस जारी किया गया, आप देखते हैं लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन आयोग कब तक जारी करता है, और साथ ही साथ आप 1000 पद जो लोअर PCS के हैं वो कब तक जारी होते हैं। वैसे लोअर PCS का आयोग ने जो प्रस्तावित अपकमिंग वैकेंसी है उसमें उन्होंने दिखाया भी नहीं है कि पदों के बारे में, लेकिन लेखपाल का और ANM का जो मेन मेन काफ़ी पद हैं उनमें, तो उनका विज्ञापन आयोग जारी करेगा। तो इस तरीके से लोअर PCS का इंतजार भी था कि आ सकता है, देखते हैं कब तक बाकी विज्ञापन जारी होते हैं। तो इस तरीके से आयोग द्वारा एक आज फिर एक नया नोटिस और नया विज्ञापन जारी किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।